हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किए थे स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड्स, और उन आयनिक सॉलिड्स के अंदर हमने जो केस डिस्कस किए थे उन केसेस के अंदर हमने देखा था कि जो क्रिस्टल्स के अंदर लैटिस पॉइंट थे वो कटायन और अनायन द्वारा ऑक्यूपाइड थे। जैसा कि एक आइडल क्रिस्टल का मैंने टू डिमेंशनल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे शो कर रखा है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं वो अपनी साइड पे प्रेजेंट है। बट जब हम बात करेंगे डिफेक्ट्स इन आयनिक सॉलिड की, और उसमें से मेनली हम देखेंगे पॉइंट इफेक्ट्स के बारे में। पॉइंट इफेक्ट का मतलब ये है कि किसी भी लैटिस पॉइंट से या तो कोई एटम या कोई आयन या किसी भी टाइप का पार्टिकल क्या है, मिस है, तो उस डिफेक्ट को हम बोलेंगे पॉइंट इफेक्ट। तो बेसिकली हमने टॉपिक डिस्कस करना है इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स इन आयनिक सॉलिड्स, और उसके अंदर हमारा जो ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा वो रहेगा पॉइंट इफेक्ट्स पे। सबसे पहले किसी भी आयनिक सॉलिड में डिफेक्ट पैदा होने का कारण क्या है। जैसा कि मैंने NaCl का एग्जांपल डिस्कस किया है यहाँ पे, तो जब NaCl क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में बनेगा तो उस टाइम Na पॉजिटिव इन गैसेस फेस और क्लोराइड आयन इन गैसेस फेस वो कंबाइन करेंगे। तो जब वन मोल ऑफ गैसेस कटायन और वन मोल ऑफ गैसेस अनायन कंबाइन टू फॉर्म वन मोल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, उस टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को हम बोलते हैं लैटिस इंथैल्पी। और जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर पढ़ा है कि जितनी लैटिस इंथैल्पी हाई होगा उतना ही वो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा। अब सबसे पहले लैटिस इंथैल्पी के टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी रिलीज का कारण क्या है लैटिस फॉर्मेशन के टाइम। सबसे पहले जब भी किसी भी लैटिस की फॉर्मेशन होगी तो लैटिस की फॉर्मेशन के टाइम ये टेंडेंसी रहेगी कि कटायन और अनायन की इंट्रैक्शंस को मैक्सिमाइज किया जाए, क्योंकि ये इंट्रैक्शंस अट्रैक्टिव इन नेचर हैं, और ये कोशिश रहेगी कंपाउंड के अंदर फॉर्मेशन के टाइम कि कटायन कटायन और अनायन अनायन के रिपल्शंस को मिनिमाइज किया जाए। तो जब लैटिस फॉर्मेशन होती है तो उस टाइम कटायन और अनायन की इंट्रैक्शन मैक्सिमाइज होती हैं, जिस वजह से बहुत ह्यूज अमाउंट या लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है रिलीज होती है। इट मींस लैटिस फॉर्मेशन के टाइम हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिलीज हो रहा है। बट दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो आपके जो कटायन और अनायन थे गैसेस फॉर्म से वो जा रहे हैं सॉलिड फॉर्म के अंदर, और आपको पता है कि गैसेस स्टेट में किसी भी सब्सटेंस के अंदर डिसऑर्डर या एंट्रोपी मैक्सिमम होता है जबकि सॉलिड फॉर्म के अंदर एंट्रोपी मिनिमम है। इट मींस जब NaCl की फॉर्मेशन हो रही है सॉलिड फॉर्म के अंदर तो एंट्रोपी में डिक्रीज आ रहा है, देयर इज लॉस ऑफ एंट्रोपी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, बट सेम टाइम पे हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लैटिस। इट मींस दो फैक्टर में आपस में एंटागोनिज्म चल रहा है, मींस अपोजिशन चल रहा है। एक है एंट्रोपी फैक्टर जिस जो लॉस हो रहा है जब सॉलिड फॉर्म हो रहा है, और एंथैल्पी फैक्टर जिसका एनर्जी का रिलीज हो रहा है जब क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्मेशन हो रही है। पर दोनों की टसल के बीच जो मेजर फैक्टर रहेगा या डोमिनेटिंग फैक्टर रहेगा वो फैक्टर रहेगा एंथैल्पी फैक्टर। इट मींस जो दोनों की अपोजिशन थी फैक्टर की एंथैल्पी और एंट्रोपी की वो रिजॉल्व होगी, बट किसके फेवर में रिजॉल्व होगी, रिजॉल्व इन द फेवर ऑफ एंथैल्पी। इट मींस जो लैटिस फॉर्मेशन के टाइम ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है वो डोमिनेटिंग फैक्टर है, बट एंट्रोपी वाला फैक्टर बिल्कुल नलीफाई नहीं होगा। जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा क्रिस्टल की फॉर्मेशन के टाइम तो एंट्रोपी फैक्टर की वजह से क्रिस्टल्स में कुछ ना कुछ क्या अराइज हो जाएंगे, डिफेक्ट्स अराइज हो जाएंगे जब भी किसी क्रिस्टल की फॉर्मेशन होगी किसी भी ऐसे टेम्परेचर पे जो कि जीरो केल्विन से अबव है। अब इसका अगर हम बेसिक पॉइंट देखें तो जैसा कि हमें पता है कि थर्ड लॉ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग किसी भी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की एंट्रोपी को हम जीरो अज्यूम कर सकते हैं अगर एब्सोल्यूट जीरो केल्विन टेम्परेचर है, बट जितने भी क्रिस्टल रूम टेम्परेचर पे सिंथेसाइज होंगे तो उनमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स होंगे, और वो डिफेक्ट्स बेसिकली अराइज किस वजह से होंगे, ड्यू टू द लॉस ऑफ एंट्रोपी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड।
तो बेसिकली अगर हम पूरे टॉपिक को देखें तो एंथैल्पी और एंट्रोपी की जो आपस में टसल हो रही है, उस टसल की वजह से इस क्रिस्टल की फॉर्मेशन के टाइम जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा तो क्या अराइज होंगे, डिफेक्ट्स अराइज होंगे। तो अगर आप आइडियल क्रिस्टल के अंदर देखोगे तो लैटिस पॉइंट्स हैं वो एग्जैक्टली ऑक्यूपाइड है अपनी पोजीशंस पे, बट जब डिफेक्ट अराइज होगा तो मे बी कटायन और अनायन अपनी लैटिस साइड से मिस हो जाएंगे, या कटायन आपको पता है मोस्टली इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड स्मॉलर साइज के होते हैं तो वो अपनी लैटिस साइड को छोड़ के इंटरस्टीशियल साइड्स में मूव कर जाएंगे। तो जब भी लैटिस पॉइंट अपनी साइड्स को छोड़ के या तो क्रिस्टल की साइड्स को लीव कर जाएं या इंटरस्टीशियल साइड्स में मूव कर जाएं तो उससे क्या अराइज होंगे, पॉइंट डिफेक्ट्स। तो डिफेक्ट्स अराइज होने का बेसिक जो रीजन है, कारण है, वो है टसल बिटवीन या एक्टिव अपोजिशन बिटवीन द एंट्रोपी एंड द एंथैल्पी फैक्टर। लैटिस फॉर्मेशन के टाइम जो डोमिनेटिंग फैक्टर है वो एंथैल्पी फैक्टर है, बट एंट्रोपी फैक्टर बेसिकली क्या करता है, किसी भी क्रिस्टल की फॉर्मेशन के टाइम उसमें डिफेक्ट्स को पैदा करता है। इससे अगले लेक्चर के अंदर अब हम डिस्कस करेंगे कि पॉइंट इफेक्ट्स कौन से टाइप के हैं और उनके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं।